नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है एक और एक्साइटिंग नए वीडियो में। यह है बोट की तरफ से आने वाला एक लेटेस्ट ट्रू वायरलेस ईयरफोन जिसका नाम है बोट एयरडॉप्स 131। तो आज हम करने वाले हैं इस ईयरफोन का अनबॉक्सिंग, देखेंगे बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें मिलता है, जो ईयरफोन है इसका क्वालिटी कैसा है, फीचर्स क्या है, जो साउंड क्वालिटी है ये कैसा है, और क्या आपको इस प्राइस रेंज में इस ईयरफोन को खरीदना चाहिए या फिर नहीं। तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना और शुरू से लेकर अंत तक देखते रहना। तो ये रहा इसका बॉक्स पैक। तो यहाँ पर मैं पिंक कलर को ऑर्डर किया हूँ। इसका और दो कलर वेरिएंट आता है जैसे कि ब्लैक और ब्लू। तो बॉक्स के ऊपर कुछ की हाइलाइट्स यहाँ पर दिया गया है, जैसे कि इसमें आपको इंस्टा वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी देखने को मिलता है, जो कि मैं आपको वीडियो में आगे दिखाऊंगा। इसी के साथ साथ इसमें आपको मिल जाता है ब्लूटूथ 5.0 और इसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग के लिए। और बॉक्स के पीछे भी आपको यहाँ पर कुछ डिटेल्स दिया गया है, जैसे कि इसमें आपको स्लीक डिज़ाइन देखने को मिल जाता है और इसी के साथ आपको मिलता है 650 mAh का बैटरी इसके बॉक्स पे। लेकिन इंडिविजुअल ईयरपॉड्स में कितना बैटरी है उसका डिटेल्स यहाँ पर नहीं है, लेकिन अगर आप बॉक्स को फुल चार्ज कर देते हो तो जो ईयरपॉड्स है इसको आप टोटल 4 बार चार्ज कर सकते हो। और एक चार्ज में जो ईयरपॉड है इसमें आपको 3 घंटे का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको टोटल 12 आवर्स का बैटरी बैकअप देखने को मिल जाता है सिंगल चार्ज पे। और बॉक्स में जो MRP प्रिंटेड है वो है 2,990 रुपीस, लेकिन ये आपको फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगा लगभग 1,300 रुपये के आसपास। तो अगर आपको इसका करंट प्राइस जानना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए करते हैं बॉक्स को ओपन और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या चीज़ें देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आपको मिल जाता है यहाँ पर बोट की तरफ से एक लिपलेट, उसके बाद आपको मिल जाता है एक यूज़र गाइड, और इसके बाद आपको मिल जाता है एक वारंटी कार्ड और इसमें आपको 1 साल का वारंटी देखने को मिलता है। और बॉक्स के अंदर आपको एक छोटा सा बॉक्स देखने को मिलता है जिसके अंदर आपको मिल जाएगा एक छोटा सा USB to USB टाइप सी केबल, और इसके बाद आपको मिलता है ईयरपॉड का केसिंग। तो ये जो कलर है ये लाइट पिंक कलर का है, और अगर आप चाहते हो तो आप ब्लू या फिर ब्लैक कलर के लिए भी जा सकते हो। तो जो बॉक्स है ये ग्लॉसी प्लास्टिक से बनाया गया है और काफ़ी छोटा और लाइट वेट है। तो यहाँ पर सामने की तरफ 3 LEDs दिया गया है बैटरी इंडिकेशन के लिए, और उसके नीचे आपको मिल जाएगा बोट का ब्रांडिंग। इसके अलावा बॉक्स में और कोई भी डिटेल्स नहीं है, और नीचे की तरफ आपको मिल जाएगा एक USB टाइप सी केबल इसको चार्ज करने के लिए, और इसको फुल चार्ज करने के लिए लगभग 1 घंटे का टाइम लगता है। और जब भी आप बॉक्स को ओपन करते हो तो आपको कुछ इस टाइप का ईयरपॉड्स देखने को मिल जाता है। तो बॉक्स का जो लीड है वो भी मैग्नेटिक है और जो ईयरपॉड है वो भी मैग्नेटिक है, तो अगर आप ऐसे इसको यहाँ पर डाल देते हो तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर चिपक जाता है और इसके साथ साथ ये चार्ज भी हो जाता है। तो जब भी आप बॉक्स के लीड को ओपन करते हो तो जो ईयरफोन्स है ये ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है और इसी के साथ साथ पेयरिंग मोड में आ जाता है, और इसके बाद आपको अपने स्मार्टफोन के साथ इसको कनेक्ट करना है, जो कि काफ़ी ईजी है और काफ़ी फास्ट है। और जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो ईयरपॉड्स है कनेक्ट हो चुका है, और आपको यहाँ पर बैटरी स्टेटस भी देखने को मिल जाता है आपके फ़ोन पे। तो जब भी आप बॉक्स के लीड को ओपन करते हो तो ऑटोमेटिकली ये आपके फ़ोन के साथ कनेक्ट हो जाता है। तो इसी को कहते हैं इंस्टा वेक एंड पेयर टेक्नोलॉजी, जो कि आपको इस ईयरफोन में देखने को मिलता है, और ये काफ़ी एक यूज़फुल फीचर है। तो जो ईयरफोन का डिज़ाइन है वो कुछ हद तक एप्पल एयरपॉड के जो पहले जनरेशन था उसके जैसा देखने को मिलता है, और ये जो ईयरफोन है ये टोटल इन ईयर टाइप का नहीं है। तो ईयरफोन के पीछे आपको मिल जाएगा एक LED इंडिकेटर, इसके साथ आपको मिल जाता है यहाँ पर फिजिकल बटन जिसके हेल्प से आप म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो, और नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा चार्जिंग पिन्स। तो ये था इसका अनबॉक्सिंग। अब बात करते हैं इसके क्वालिटी के बारे में। तो पहले मैं स्टार्ट करूँगा इसके बिल्ड क्वालिटी से। तो यहाँ पर जो चार्जिंग केसिंग दिया गया है वो काफ़ी छोटा सा है और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है, तो इसको कैरी करने में कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलता। तो ये जो ईयरफोन है ये ट्रू इन ईयर टाइप का नहीं है, आपको यहाँ पर कोई भी रबराइज्ड टिप देखने को नहीं मिलता। तो इसका जो डिज़ाइन है वो फिक्स्ड है, और इसकी वजह से अलग अलग पर्सन के ऊपर ये डिपेंड करता है कि कितना कम्फर्ट ये देता है। तो कुछ लोगों के कान में ये आराम से फिट हो जाएगा और कुछ लोगों के कान में ये ठीक से फिट नहीं होगा, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि ये ट्रू इन ईयर टाइप का नहीं है। तो यहाँ पर आपको कोई भी रबराइज्ड ईयर टिप्स देखने को नहीं मिलता है, और ना ही आप इसको चेंज कर सकते हो। तो फॉर्चुनेटली मेरे कान में ये आराम से फिट हो चुका है और कंफर्ट में मुझे यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है। तो ओवरऑल डिज़ाइन के मामले में ये जो ईयरफोन है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। तो अभी बात करते हैं इसके साउंड क्वालिटी के बारे में।
तो यहाँ पर आपको मिल जाता है 13mm का ड्राइवर, और इसकी वजह से जो बेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाता है और जो लाउडनेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा है। तो साउंड क्वालिटी के मामले में काफ़ी बढ़िया है, लेकिन जो बेस है थोड़ा सा बूस्टेड है, तो इसकी वजह से कुछ लोगों को काफ़ी पसंद आ सकता है या फिर कुछ लोगों को पसंद नहीं आ सकता है। तो ये टोटली आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन ओवरऑल इसका जो साउंड क्वालिटी है काफ़ी अच्छा है अपने प्राइस रेंज के हिसाब से। नेक्स्ट बात करते हैं, क्या ये ईयरफोन गेमिंग के लिए है या फिर नहीं। तो ऑनेस्टली ये जो ईयरफोन है गेमिंग के लिए नहीं है, आपको यहाँ पर लैग देखने को मिलता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा कि अगर आप गेमिंग के लिए इस ईयरफोन को लेने की सोच रहे हो तो मैं आपको ये बिल्कुल भी सजेस्ट नहीं करूँगा। तो अभी बात करते हैं इसके कुछ कॉन्स के बारे में। तो यहाँ पर जो ईयरफोन और इसका केसिंग है, यहाँ पर आपको ग्लॉसी फिनिश देखने को मिलता है और इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आपको देखने को मिल सकता है। तो अगर इसमें मैट फिनिश होता तो काफ़ी अच्छा होता, लेकिन आपको इसमें ग्लॉसी फिनिश देखने को मिल जाता है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा स्क्रैचेस आपको देखने को मिल जाएगा। और नेक्स्ट नेगेटिव पॉइंट की बात करें तो यह ट्रू इन ईयर टाइप का नहीं है, तो फिटिंग में आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ सकता है। तो अगेन ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 1300 रुपये में एक ट्रू वायरलेस ईयरफोन्स वो भी बोट की तरफ से, ये काफ़ी बड़ी बात है। और जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, जो बैटरी बैकअप है वो भी काफ़ी अच्छा देखने को मिल जाता है आपको ईयरफोन्स में। एक चार्ज में आपको 3 घंटे का नॉन स्टॉप यूजेज देखने को मिलता है, और इसी के साथ साथ जो साउंड क्वालिटी है वो काफ़ी सही है, 13mm का आपको ड्राइवर देखने को मिलता है। तो अगर आप इस प्राइस रेंज में इस ईयरफोन को खरीदने की सोच रहे हो तो इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। तो अगर आपको इसको परचेस करना है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। तो बस आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपको कैसा लगा आज का ये वीडियो आप ज़रूर बताइए नीचे कॉमेंट बॉक्स में। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन हो या फिर कोई भी सजेशन हो तो भी आप बता सकते हो नीचे कॉमेंट बॉक्स में। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ पास वाला जो बेल आइकन है उसको भी आप दबा दीजिए। फिर मिलता हूँ मैं एक और एक्साइटिंग नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।